सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। बाकी आज आपका हमारा टॉपिक है वृक्ष। वृक्षों की आज आपको बताने वाले हैं लोकल और ओरिजिनल के बारे में। बाकी हम दिखाते हैं, एक हमारे हरी भाई हैं, वो बताएंगे आपको, बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे जो वृक्ष होता है क्या होता है, मतलब कैसे जिसको नॉलेज है काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब उसके बारे में सब बताएंगे। और आपको अगर थोड़ा दिन हुए हैं काम करे हुए तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी काम चालू नहीं करना चाहिए कि ए टू जेड आपको कोई पार्ट में नॉलेज है तो आपको काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल लोकल की पहचान है ना। बाकी आपको सब बताएंगे हमारे हरी भाई। बाकी हम हरी भाई से आपको दिखाते हैं और बताते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हमारे हरी भाई आपको बताएंगे, देखिए वृक्षों के बारे में पूरी डिटेल, मतलब डिटेल में समझाएंगे कि आप कभी भी कोई सी स्कूटी या बाइक है आपके पास तो आप चला रहे हैं, उसमें कैसा सामान डलवाना है, वृक्षों मतलब कैसे होने चाहिए, ब्रेक मतलब पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक तो बहुत ज़रूरी होते हैं। बाकी बताइए हरी भाई। तो गाइज ये देखिए, हमारे पास ब्रेक्स हैं, ये हमने एक एक्टिवा में से निकाले थे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब हम लोग वैसे भी हिली एरियाज में रहते हैं तो हमको यहाँ पर ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइज ये देखिए ब्रेक्स हैं, हमने एक स्कूटी में से निकाले थे और उसमें स्कूटी में क्या प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ 4-5 दिन पहले ही डले हुए थे और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आ रहे थे। जब हमने इसको खोल के देखा तो ये हमको भाई पूरा सप्लाई का माल है, इसमें आप देख सकते हैं होंडा की मोहर तो लगी हुई है लेकिन ये पूरा सप्लाई का माल है। सबसे घटिया जो वाहियात कंपनी के ब्रेक्स आते हैं वो उसमें डाले गए थे। और हमारे पास जो ब्रेक्स रहते हैं, एक तो जेन्युइन होता है। जेन्युइन क्या होता है कि जेन्युइन हर कोई बंदा डला नहीं सकता है क्योंकि हर कोई का इतना बजट नहीं होता कि वो जेन्युइन डला सके। तो हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास ये वाले ब्रेक्स रहते हैं ASK कंपनी के। देखिए ASK कंपनी का येलो कलर का डब्बा होता है, ये भी बहुत बेस्ट रहते हैं आपका पूरी एक सर्विस तक का, आप 2000 या 3000 किलोमीटर जितना चलाना चाहे इसको बढ़िया चलते हैं। सबसे बेस्ट ब्रेक्स लगते हैं मुझे, बस सस्ते रेट में हम लोग इसको, इसमें जो प्राइस है, इसमें प्राइस लिखा हुआ है 229 रुपये प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको फिट करके 200 रुपये का डाल देते हैं किसी भी स्कूटी में। तो ये देखिए ये है ब्रेक्स हमारे पास जो जेन्युइन आते हैं, ASK कंपनी के आते हैं। अगर आप होंडा की पैकेजिंग में भी लेंगे तो उसमें भी ASK कंपनी के ही जेन्युइन आते हैं। अगर आप शोरूम से डलवाते हैं तो ASK सबसे बेस्ट कंपनी लगती है मुझे, तो आपको इसी के डलवाने चाहिए। और ऐसे वाहियात सप्लाई के ब्रेक्स आप कभी ना डलवाएं जिससे कि आपको इसमें ब्रेक ही ना, क्योंकि जो बंदा था वो कह रहा था कि बिल्कुल, मैंने अभी 4 दिन पहले डलवाए थे और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आ रहे थे जो हमने खोल के देखा था। आप देख रहे हैं और जो इसका जो लेदर है, जो लेदर या जो भी बोलते हैं, टिक भी नहीं पा रहा है, ये बहुत हार्ड है, इतना हार्ड है कि अगर मैं इसको तोड़ के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टूट भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और जो हमारे पास ये वाला रहता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट लेदर रहता है जिससे कि ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ड्रम नहीं कटता है मतलब, और जिससे ड्रम भी नहीं कटता और इसकी वजह से ड्रम कटने की भी प्रॉब्लम आती है। और अगर इससे अगर ड्रम कट गया तो मान लीजिए आपके इसमें ये वाले ब्रेक्स भी बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो कभी भी आपको ऐसे ब्रेक्स नहीं डलवाने, और जो भी मैकेनिक भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसे ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं तो भाई मत डालो यार, क्यों कस्टमर को पैसे, भाई उसने कम से कम 250 से 300 रुपये लिए थे इसको डलवाने के और ये बिल्कुल 4 दिन बाद खत्म हो गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है, नॉलेज ना हो तो काम नहीं चालू करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। और भाई कस्टमर को ऐसा लूटना भी चाहिए, और ये सप्लाई का माल है पूरा दिख रहा है हमें कि सप्लाई का माल है, तो इसको आपको नहीं डलवाना है अपनी बाइक में कभी भी, बाइक में या स्कूटी में। मतलब ओरिजिनल लोकल की पहचान भी होना चाहिए ना, नॉलेज मतलब काम चालू कर रहे हैं तो ओरिजिनल और लोकल की पहचान भी जरूरी है। कस्टमर होता है ना, कस्टमर को भाई नॉलेज नहीं होती कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और लोकल कौन सा है, ये सिर्फ एक मैकेनिक ही बता सकता है, वो भी मैकेनिक जो एक्सपीरियंस वाला हो, जो कम से कम 5-10 साल से काम कर रहा हो, उसी को नॉलेज होती है। और जो भाई नए नए मैकेनिक आए रहते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, बस कहाँ से कबाड़े की दुकान से माल उठा के ले आता, कट्टे भर के और ये बेचना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, आपका कभी भी कम बजट है तो आप ASK के डलवा सकते हैं, मिनिमम ज़्यादा रेट नहीं है इसके। बाकी अगर आपको जेन्युइन नहीं मिल रहे हैं तो ASK डलवा के अपना काम चला सकते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं ये भी, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें भी। बाकी ये जो वृक्ष होते हैं ये लेदर ज़्यादा, मतलब लेदर पूरा मतलब सपोर्ट भी नहीं है इसकी, और ड्रम अलग काटता है ये, बहुत ज़्यादा लेदर हार्ड होता है, मतलब ये खुद नहीं काटता ड्रम को काटता है, और ये जो वृक्ष है ये खुद काटता है ड्रम को नहीं काटता है, ये खुद घिसता है इस तरीके से। बाकी और कुछ हरी भाई, और क्या कहना चाहिए भाई, अगर आपको बजट नहीं है तो आप ये वाला डलवा सकते हैं, अगर आपके बजट अच्छा है तो आप जेन्युइन डलवाएं, वो सबसे बेस्ट रहता है। और जेन्युइन अगर आप लें तो किसी ऑथोराइज पर्सन से या जो आपका बहुत जानकार बंदा हो, जिसका जिस पे आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो, तो उसी से डलवाएं और कोई भी नई जगह में काम ना करवाएं, तो मैं ये कहूँगा। बाकी भाई इस तरीके का काम यार, जो भी मैकेनिक लोग देख रहे हैं भाई, ये घटिया काम मत करो यार भाई, एक्सीडेंट होते होते बचते हैं इससे, जिससे कि ब्रेक नहीं आते, तो इतना ही है, बाकी ज़्यादा क्या कहें, बाकी समझदार हो। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।